नमस्कार साथियों, आज हम एक अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे भाई कि बहुत सारी आप चाहे इंडिया में बैठे हैं, चाहे दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, किसी भी देश में बैठे हैं या यूरोपियन कंट्री में बैठे हैं, आपको बहुत सारे लोगों को चाहे इंडिया से दूसरे देश में जा रहे हैं या फिर बहुत सारे इंडियंस लोग हैं जो दुबई में हैं जो घूमने के लिए यूरोप कंट्री जाते हैं या अलग अलग देशों में जाते हैं। जी हाँ, इस दौरान आप क्या करते हैं कि टूर पैकेज लेते हैं किसी भी ट्रेवल एजेंसी से या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी करके आप वीज़ा, होटल वगैरह सब कुछ एक साथ में ले लेते हैं कि भाई मुझे यूएसए या उस देश में जाना है, ये आपका मेरा पैसा है, ये 2 लाख 3 लाख जो भी है पैकेज पूरा दे देते हैं। जी हाँ, उसमें एक अग्रीमेंट होता है एजेंसी के साथ में और आपके साथ में। उस अग्रीमेंट में ये बातें लिखी होती हैं कि भाई आप अगर आप नहीं गए या आपने भी कैंसिल करवा दिया तो आपका चार्ज कटेगा, इसकी जिम्मेदारी आपकी होती है और आपसे साइन करवा लिए जाते हैं। जी हाँ, वो साइन करने के बाद में वो तो इतने मोटे हो गए, आप इतने से हो गए क्योंकि उस पर साइन हो गए। अब उस स्थिति में कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है। देखिए, दो बातें होती है, एक तो प्राकृतिक, एक अप्राकृतिक, यानी एक प्राकृतिक यानी कुदरत की देन जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सेम कंडीशन कोरोना 2020 मार्च में शुरू हुआ था, आपको सबको पता है, हजारों लाखों लोगों के ट्रेवल वगैरह जो पैसे सब बर्बाद हो गए, जमा किए थे, एजेंट खा गए, ऐसे कर दिए वैसे, मतलब चौपट हो गया सिस्टम। एक ही होता है कि भाई सब कुछ ठीक है लेकिन यार नहीं, आपको वीज़ा दिया, टिकट दिया और आपने मन बदल दिया, नहीं जी नहीं जाना। तो उस दौरान दो बातों में, आपने जो पैसा दिया है उसमें कितना पैसा कटेगा, किस आधार पे कटेगा, एजेंसी वाले क्या आपके साथ गलत करते हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, फिर भी एजेंसी वाले नहीं मानते तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका पैसा पूरा रिटर्न हो जाए जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जी हाँ, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे भाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले फेस को फॉलो कर लीजिए ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपने किसी भी ट्रेवल एजेंसी से कहीं से भी टूर पैकेज लिया, उसमें दो बातें, देखिए उसमें अग्रीमेंट हो गया, ये बातें हम कर चुके हैं। अब देखिए, अच्छा आपको जाना है मान लीजिए 15 दिन 20 दिन बाद में, आप अपनी तरफ से आप रेडी हैं, आप जा सकते हैं। जी हाँ, अचानक से ऐसी कुछ घटना घट जाती है कि आपका टूर कैंसिल हो जाता है, आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। जी हाँ, अब क्या हो सकता है, जैसे मार्च, जैसे जनवरी 2020 की अगर बात करें, जनवरी फरवरी मार्च हाफ तक काफ़ी लोगों ने अलग अलग देशों के वीज़ा टिकट वगैरह सब लेके रखे थे। अब देखिए, उसमें टिकटें ली थी, सब ने पता है, सब ने पैसे भी मोटे पैसे, भाई दुबई कतर को छोड़ दो, यूरोप का तो भाई लाखों में लगता है, लोगों ने पैसे दिए। अब ये एक तरह से इनडायरेक्टली क्राइसिस हो गया, प्राकृतिक आपदा है ना कोरोना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना की वजह से एक दूसरे इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद हो गई, बैन हो गई, एक दूसरे को ट्रेवल यात्रा बैन कर दी गई, तो जाएंगे कहाँ पे। उस दौरान आप जैसे 2 महीने 4 महीने चली, आपका मूड बदल गया, जी हमें नहीं जाना, तो आप ट्रेवल एजेंसी से पैसे मांगते हैं कि हमारा जो भी आपको पेमेंट दिया वो रिफंड कर दीजिए। ट्रेवल एजेंट बोलते हैं जी आप अभी रिफंड लोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, आपका 40%, 50%, 60% पैसा कट गया। आप सोचोगे ऐसा कैसा हो गया भाई, पैसे दिए जाने के लिए भेजा नहीं, करो मामला बंद है, पूरा सिस्टम क्लोज है, ये पैसे किस बात के काट रहा है, सोचने की बात है ना। तो उस दौरान आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्राकृतिक आपदा आ जाती है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वहाँ पे आपका पैसा नहीं कटना चाहिए। जी हाँ, इन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर फिर भी एजेंट बोलता है कि 40%, 60%, 70% हम आपका पैसा काटेंगे तो आप बिल्कुल उसका विरोध कर सकते हैं। फिर भी अगर वो नहीं माने तो वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया में है तो भाई इंडिया में सभी देशों में बता दूँ उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम बना हुआ है। जी हाँ, उसके तहत में आप उनके खिलाफ में शिकायत कर सकते हैं, आपके पास एविडेंस है क्योंकि आपने पैसे दिए हैं, इस बात के दिए, आप तो वहीं के वहीं बैठे हैं, पैसे किस बात के काट रहे हैं भाई, सोचने की बात है ना। ये मैं दुबई जा रहा हूँ, फ्लाइट टिकट बन गई, दुबई ने फ्लाइटें स्टॉप कर दी, दिए ना पैसे एयर इंडिया वालों ने, सब ने पैसे डंडा दे दे के, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया तब जाके पैसे दिए, इतना आसानी से कोई नहीं देता। ट्रेवल एजेंट वाले तो छोटे हैं, ये जो ट्रेवल एजेंसी कितने बड़े, एयर एशिया फलाना ढिमका कितनी सब आज तक लोगों के पैसे खाए बैठे हैं, हालांकि मना नहीं किया, पूरा का पूरा भुगतान उनको करना पड़ेगा, किया है। जी हाँ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। दूसरी बात कर लेते हैं कि भाई आपने पैसा दिया, आपका अग्रीमेंट हो गया, आपको वीज़ा दिया, टिकट दिया, सब कुछ दे दिया, अचानक से आपको पर्सनल काम हो गया घर में, आपकी कोई डेथ हो गई, बीमार हो गए आपके परिवार में वगैरह वगैरह, उस दौरान आपका वो सिस्टम कैंसिल हो जाता है जो भी आपका ट्रेवल पैकेज है। उस दौरान आप फिर आप जाके ट्रेवल एजेंट से बोलते हो जी हमारा पैसा वापस कर दो, हम तो गए नहीं, तो भाई उस टाइम तो पैसे कटेंगे आपके, चाहे वो 40% कटे, चाहे वो 60% कटे, जो भी रेट है वो पैसा कट के बाकी पैसा आपका रिफंड हो जाएगा।
तो ये सिस्टम है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, जहाँ पे आपकी गलती नहीं है, प्राकृतिक आपदा की वजह से आपके साथ में कोई ट्रेजडी हो जाती है, आपका ट्रेवल पैकेज रद्द हो जाता है जिसमें आपकी गलती नहीं है, आगे से उस देश ने फ्लाइटें बंद कर दी, उस देश ने वीज़ा बंद कर दिए, उस देश ने इंडियन लोगों को आने के लिए स्टॉप कर दिया, इमिग्रेशन स्टॉप कर दिया, तो उस दौरान आपका पैसा पूरा रिफंड होता है। जी हाँ, नहीं हो तो भाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तैयार है, उसके खिलाफ में फिर मुकदमा दर्ज करो, आपको शिकायत करनी चाहिए, वहाँ से पैसा आपको विद इंटरेस्ट मिल जाएगा फिर। तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति हो तो आप अपने स्तर पे आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगे, तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।